तो मैक्सिमम जितने एलसीएल कार्गो यानी कम क्वांटिटी के कार जो जितने भी सामान जाता है वो ज़्यादातर आज की डेट में 40 फिट में जा रहा है। 20 फिट का ज़्यादा इस्तेमाल फुल कंटेनर लोड के लिए होता है, तो ये आपके लिए फुल कंटेनर लोड राइट साइड पे है एक तरीके से, और ये लेस कंटेनर लोड आपके सामने है 40 फिट कंटेनर। अब अगर आप डिस्क्रिप्शन देखोगे तो ऊपर से नीचे तक इस कंटेनर के बारे में भी सब कुछ लिखा होगा कि इसमें नेट क्वांटिटी कितनी जा सकती है, ग्रॉस कितनी जा सकती है, प्लस सबसे बड़ी बात ये चोरी नहीं हो सकता, कोई उठा के इसको अपने घर नहीं ले जा सकता। ये कंटेनर अभी क्या है, जो माल यानी अनलोड होके आया है यहाँ से गए, जो खाली कंटेनर अब जो ये माल लेने जाएंगे ये वो कंटेनर है, यहाँ पे सारे कंटेनर इन्होंने रखे हैं। उधर बैक साइड पे वो हमने यार्ड देखा था, याद है कंटेनर रखे हुए हैं, यानी अगर आप कंटेनर की बुकिंग कराते हो वो शिपिंग यार्ड है, वहाँ से खाली कंटेनर निकलेगा और आपके पास पहुँचेगा, स्टफिंग करवाओ और भेज दो। एल सी एल के लिए आपको माल भेजना पड़ेगा। अब आप कहोगे छोटे छोटे माल के लिए यार पूरे शहर में कंटेनर थोड़ी ना घूमेगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आम तौर पर पोर्ट होते हुए भी हम लोगों को पोर्ट के बारे में नहीं पता, जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है, जो जैसे आप रिमोट एरियाज़ के हो, अलग अलग स्टेट के हो, तो सबसे पहले ये जानो कि पोर्ट ये आज से नहीं है, 40-40, 50-50 साल पुराने पोर्ट हैं, तब से डेवलप हुए, बड़ो तब से माल जा रहा है। कंटेनर पूरा है, सील लग जाएगी इसके ऊपर जब स्टफिंग करवाओगे उसके बाद, तो भेजो और काम करो, ना हमें उठाना है ना हमें जाना है कहीं, कहीं नहीं जाना, सबसे पहले ये चीज़। और कोशिश करो कि एक बार आप लोग अगर जिस स्टेट से भी हो, एक बार अपनी स्टेट पे सिर्फ एक ही बार चले जाओ, एक बार पोर्ट विजिट करने, देखाओ कहाँ पे है ये तो पता लगे, कितना बड़ा है, कितना काम होता है ये तो पता लगे। अब ये दिल्ली का पोर्ट है तो दिल्ली से जितने भी नियर बाय जैसे NCR पड़ता है, नोएडा पड़ता है, आपका इधर गुड़गांव साइड पड़ता है, हाँ, तो यहाँ से वो कंटेनर निकलते हैं। ICD पोर्ट है, तो अगर आपको माल भेजना है तो हमें यहीं का पोर्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टूडेंट हो ठीक है, नहीं पता, लेकिन यहाँ तक आए हो तो ये चीज़ सीखो कि एक्चुअल में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस किया कैसे जाता है। 90% लोगों को ना कंटेनर के बारे में पता है, ना पोर्ट के बारे में पता है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, इसीलिए आपको यहाँ लाया गया कि आपको ये पता लगे कि ये भैया पोर्ट है, दिल्ली से माल जा सकता है, मुझे सीधा बॉम्बे नहीं भेजना, ड्राई पोर्ट है, मैं यहाँ से भी माल लेके जा सकता हूँ, सीधी सी बात है। इसी कारण से हमारे इंडिया का ट्रेड आगे नहीं बढ़ पाता, समझ आया? कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो बताइए, ठीक है? अब चलते हैं आगे पोर्ट की तरफ, वहां पे आपको CHA वगैरह जो होंगे उनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, we'll be right back.